वो हमारा फंडिशन की तरफ से वो खरीद लेगा, ठीक है। ये एक बेहतरीन सिस्टम है। और देखिए आप सभी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, तो देखिए ना हमारा फंडिशन का जो सिस्टम है, आप लोगों को महीने में जो तनख्वाह मिलती है, जो वेतन मिलते हैं, जो सैलरी मिलती है, ये ज्यादा नहीं एकदम कम है ना, पता है ना कितना मिलते हैं आप लोगों को। तो देखिए ये मत सोचिए एक महीने की मेहनत करने के बाद मुझे इतना कम पैसा मिल रहा है, ये नहीं है। आप ईमानदारी से लगातार प्रयास कीजिए, काम कीजिए, पैसा कैसे कैसे आपका जेब में आ जाएगा आपको पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग जो बच्चा को पढ़ाएंगे वो कौन सा स्कूल से आएगा पता है ना, वो सरकारी स्कूलों से बच्चा आएगा, ठीक है, प्राइवेट स्कूलों से नहीं आएगा। और दुनिया में ना तो देखिए लोगों को तीन भाग किया जाता है, एक क्या होता है गरीब क्लास का, एक होते हैं क्या मिडिल क्लास का, और एक होते हैं क्या अमीर क्लास का, है ना। तो आप देखिए ना, तो आपका मोहल्ला में जो अमीर बंदा है वो उसका बच्चा को कौन सा स्कूल में पढ़ाते हैं यह पता है ना, प्राइवेट। और उस इलाका में सबसे महंगाई जो स्कूल है वहां पे उसका बच्चा पढ़ाते हैं, है ना। और मिडिल क्लास वालों उस एरिया पे जो प्राइवेट स्कूल बनते हैं नॉर्मल उसी स्कूल में पढ़ाते हैं, और गरीब क्लास वालों कहाँ पढ़ाते हैं सरकारी स्कूलों में, ठीक है ना। तो सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ेगा ना हम उन गरीब लोगों के पास खड़े होंगे, ठीक है। वो उन लोगों का बच्चा को हम ख्याल लेंगे, ध्यान देंगे, बढ़िया तरीके से उन लोगों को पढ़ाएंगे। तो देखिए ना एक यहाँ पे शायद सरकारी स्कूलों का मास्टर मौजूद है, सर जी मौजूद है, तो देखिए मैं रेफरेंस ले रहा हूँ, आप लोग ये बात बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को नहीं दोष देती हूँ, आप लोग